हेलो दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं होंडा अमेज पेट्रोल 1260 जो पेट्रोल इंजन है, इसके बारे में आपको बात करने वाले हैं कि इसमें आपको इस हमारे सामने खड़ा हुआ है VX मॉडल, तो VX मॉडल में आपको क्या क्या देखने को मिलता है उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये गाड़ी आपको कई पर्पज़ से देखने को मिलती है, लाइक है ये गाड़ी आपको जो पर्पज़ है कमर्शियल एंड जो पैसेंजर व्हीकल है मतलब पर्सनल व्हीकल है उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है। अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट में, तो फ्रंट में आप देखेंगे यहाँ से क्रोम मिल जाता है, यहाँ आपको होंडा का लोगो है, एक बड़ी सी ग्रिल यहाँ आपको ऑफर हो जाती है नीचे एंड ऊपर। आप देख सकते हैं रेडिएटर से काफ़ी अच्छी दूरी बना के रखी गई है, जिसकी वजह से कभी छोटा मोटा अगर डैमेज होता है तो आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हो। और अगर मैं बात करूँ साइड की, तो आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पे जो इंडिकेटर है आपको ये हैलोजन में देखने को मिलता है, बट यहाँ पे जो बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प है ये LED है आपका, एंड यहाँ आप देखेंगे तो LED आपको फॉग लैम्प देखने को मिल जाता है, और फॉग लैम्प के साइड में आपको क्रोम देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसके जो टायर रेशियो की, तो 175/65 इसमें आपको R15 का टायर साइज देखने को मिलता है। ये आपका जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन है काफ़ी शानदार मिलता है। अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 170 mm इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं हम अंदर साइड, तो अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक ORVM इसमें आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री रिक्वेस्ट सेंसर के साथ इसमें आपको देखने को मिल जाती है। अब हम चलते हैं इसके अंदर इनर साइड आपको क्या क्या मिलता है। तो इनर साइड हम बात करें तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो है, बट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो विंडो है वो आपको सिर्फ ड्राइवर साइड की ऑटो मिलती है, मतलब आपको वन टच डाउन एंड वन टच अप मिल जाएगी। यहाँ आप देखेंगे तो आपके जो IRVM आउटसाइड रियर व्यू मिरर है उसका आपको कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से लॉक अनलॉक ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब मैं बात गेट कर लेता हूँ बंद। अब अगर मैं साइड में देखूँ तो इसमें आपको स्टार्ट स्टॉप पुश बटन यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो फ्यूल है उस पर आपका जो बटन है फ्यूल शिफ्ट का वो देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं इसमें आपको जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ इंफोटेनमेंट की बात करें तो काफ़ी प्यारा सा इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। AC वेंट आपको फ्रंट में ही देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसमें इस गाड़ी का जो लुक है बहुत क्लासिक देखने को इसमें मिलता है। और यहाँ हम देखें तो इसको आपको ऑटो क्लाइमेट AC है, तो ये टॉप एंड मॉडल है इसलिए VX मॉडल है, और इसमें आपको ऑटो क्लाइमेट AC वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और हम बात करें यहाँ पे तो जो की होने वाली है आपकी, देखेंगे तो होंडा की आपको इस टाइप की होने वाली है, तो ये इसमें आपको की देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग जैसे सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसकी सेफ्टी की, तो इसमें आपको डुअल एयरबैग ABS प्लस CVT देखने को मिलते हैं। आप देखें तो इसमें 1260 पेट्रोल इंजन है, इसमें आपको CNG का जो ऑप्शन है वो आप लगवा सकते हैं इसमें CNG, बट कंपनी फिटेड नहीं आती है। इसमें आपको एक वेंडर के थ्रू कंपनी ने जो CNG है वो प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से आप इस गाड़ी को CNG में आराम से करवा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें आप जो वारंटी है वो भी नहीं जाती है। और अगर मैं बात करूं इसके IRVM की, तो IRVM में आपको मैनुअली देखने को मिलता है। और अगर बात करूं मैं रूफ माउंट लैंप की, तो रूफ माउंट लैंप आपको दो यहां देखने को मिलते हैं, एक पीछे देखने को मिलेगा, एक यहां दो देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं यहां पे जो सनवाइज़र है, सनवाइज़र में सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पे देखने को मिरर मिलता है, वो को पैसेंजर साइड देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इसकी ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, अंदर तक ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, तो काफ़ी सफिशियंट है। इसमें जो लेदर में जो फैब्रिक सीट्स में आपको ऑफर हो जाती हैं, और जो हेडरेस्ट हैं काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं और एडजस्टेबल इसमें देखने को मिलता है। एक चीज़ मैंने इस गाड़ी में अनोखी देखी, अगर मैं आपको दिखाना पाऊँ तो ये देखिए आप, इसमें अनोखी गाड़ी की जो देखेंगे आप, तो इसमें आपको ग्रिप हैंडल है वो ड्राइवर साइड पर भी आपको देखने को मिलता है, तो ये चीज़ मैंने काफ़ी कम ही नोटिस किया है। और मैं स्टारिंग की बात करूं तो थोड़ा सा क्या है, गाड़ी की अभी मैं यहाँ स्टार्ट नहीं कर सकता शोरूम है इसलिए। और अगर मैं बात करूं तो ये जो ग्रैब स्टारिंग व्हील है, इसमें बीचों बीच आपको होंडा का लोगो यहाँ पे साइड में दोनों साइड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। स्पेस काफ़ी अच्छा दिया है, दोहा कप
होल्डर्स हैं इसमें, कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं एंड बॉटल होल्डर्स जैसी जगह अच्छी दी हुई है। बट यहाँ आर्मरेस्ट थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है मुझे, बाकी गाड़ी अच्छी है, स्पेसियस है और काफ़ी शानदार गाड़ी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। स्पेस तो काफ़ी भरपूर है, एक सेडान कार है तो इसमें स्पेस देखना तो बनता ही है। अब हम चलते हैं इसके रियर साइड में, जो रियर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ हम देखते हैं इसके गेट को बंद कर देते हैं, जो ये देखेंगे आप ये वाला जो है डोर हैंडल, रियर वाला फ्रंट वाला आपको सिल्वर क्रोम में था, ये भी आपको सिल्वर में ही देखने को मिल जाता है। और अब हम चलते हैं इसके अंदर कि भाई आपको क्या क्या देखने को यहाँ मिलता है। तो ये है VX मॉडल, तो इसमें ये आप देखेंगे तो रियर साइड में आपको यहाँ पे पावर विंडोज़ ऑफर हो जाती हैं। और अगर मैं ग्रेव हैंडल की बात करूँ तो आप देखो यहाँ पे भी आपको ग्रेव हैंडल देखने को मिल जाता है। और मैं आर्मरेस्ट की बात करूँ तो एक बढ़िया सा आर्मरेस्ट यहाँ मो कप होल्डर सा देखने को मिलता है। यहाँ थोड़ा मुझे मोबाइल होल्डर की जो कमी है वो महसूस हुई, बाकी इसमें आपको 4 स्पीकर के साथ ये गाड़ी इसमें आपको देखने को मिलती है। और अगर ग्रेव हैंडल की बात करूँ मैं तो ये को पैसेंजर साइड भी ग्रेव हैंडल देखने को मिलता है। आप देखो जो ग्रेव हैंडल है वो को पैसेंजर साइड भी देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें इसके स्पेस की तो आप देखो सेडान कार है फिर भी लेग रूम तो काफ़ी सफिशियंट दिया है यार, मैंने पूरे पैर फैला के रखे हुए हैं तब भी स्पेस अच्छा दिया है। जो हेडरेस्ट हैं वो फिक्स है रियर वाले, इसमें फिक्स हेडरेस्ट आपको इसमें ऑफर होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा और जो हम कह सकते हैं कि इस सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं काफ़ी शानदार और यूनिक लुक के साथ जो गाड़ियां आती हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। और अगर मैं बात करूं तो अगर ये गाड़ी है ये भी काफ़ी अच्छी है और CNG पर्पज़ से एक और का कॉम्पिटिशन ये साबित हो सकती है, क्योंकि ये जो गाड़ी है उसी सेगमेंट और उसी रेंज की है। ये सर अराउंड 7-8 लाख रुपये के अराउंड इसके सारे वेरियंट्स देखने को आपको मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं पीछे साइड, तो पीछे आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है वो चीज़ें आपको मैं यहाँ देखने वाला हूँ। तो आप देखेंगे कि जो हम देखते हैं तो इस तरफ से शायद तक ये गाड़ी लॉक हो चुकी है और शायद इस तरफ का किसी ने चाइल्ड लॉक लगा के रखा हुआ है। तो हम इस तरफ से निकलते हैं तो उस तरफ का चाइल्ड लॉक लगा है, वजह से हम खोल नहीं पा रहे थे गेट, शायद किसी ने चाइल्ड लॉक लगा के रखा है। अगर मैं रियर प्रोफाइल की बात करूं तो रियर आप यहां देखेंगे तो यहां पे आपको सर्क्स एंटीना डिफोगर मिल रहा है, एक सेडान कार है इसलिए आपको इसमें किसी भी प्रकार का वाइपर देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पे आपको हमें इसकी बैचिंग काफ़ी प्यारे से टेल लैंप इसमें आपको ऑफर हो जाते हैं देखने के लिए एंड आपको IBEC जो टेक्नोलॉजी है इसके बेस्ड आपको इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसके बूट स्पेस की तो शायद तक ये आपको यहाँ से ये ओपन हो जाता है, इसमें 400 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, बट इसमें आप देखेंगे तो CNG फिटेड दिया है। तो ये जो गाड़ी है वो CNG के साथ इसमें आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें ये CNG टैंक यहाँ पे मिलता है, तो इसमें 400 लीटर का बूट स्पेस था बट CNG लग गया, तो उसके अलावा आप मान के चलते हैं 200 या 250 के आसपास इसका जो बूट स्पेस है वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो CNG है अगर आप देखेंगे तो जो एक ये कंपनी है आप देख सकते हैं इसका नाम है कमियात CNG, ये शायद तक इसका जो पेंडर है उसका नाम हो सकता है, वैसे ये मुझे ऑफिशियली कंफर्म नहीं है बट अगर मैं बात करूँ तो ये जो वेंडर है ये हो सकता है। और ये गाड़ी काफ़ी शानदार है और इसके एक चीज़ अच्छी है, जो ओल्ड MH ऑनर हैं या जो होंडा की जो MH है जो ऑनर हैं तो वो इस गाड़ी को परचेज करके भी जो CNG ऑप्शन है वो आपको कंपनी इंटरफेट ले सकते हैं। तो ये काफ़ी शानदार और काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ है इस मार्केट के लिए कि जहाँ कंपनियाँ नई नई गाड़ियाँ CNG ला रही हैं लेकिन पुराने कस्टमर्स का किसी भी तरह से ख्याल नहीं रखा जा रहा है, वो इस चीज़ में रखा जा रहा है कि भाई अगर आप गाड़ी परचेज़ करते हैं तो आप CNG लगवा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आज की वीडियो में आप लोगों को अगर सारी जानकारी मिल गई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, और ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर और बहुत सारी आने वाली हैं, अमेज की, एलिवेट की और सिटी की, ये सारी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगी, तो ऐसी जानकारी आपको मिल जाएगी। और स्मार्ट सिटी होंडा भोपाल शोरूम से मैं इस समय खड़ा हूँ, यहाँ का जो नंबर है यहाँ के जो GM है उनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो वहाँ जाके आप लोग कॉल कर सकते हैं, इसकी इंक्वायरी आप चाहें तो इसकी इंक्वायरी आप कर सकते हैं।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल पर आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों।